जहां वो उपचुनाव के नामांकन फॉर्म जमा होते ही सियासत जोरों पर है और दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इसी के चलते नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का चुनाव तक कह दिया है। इसके बाद गोपाल भार्गव पर FIR भी दर्ज हो गई। गोपाल भार्गव के पाकिस्तान के बयान पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि लगता है नेता प्रतिपक्ष की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण वे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कुणाल चौधरी का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ आदिवासियों को लूटा है और अब जनता भी बीजेपी के झूठ को पहचान चुकी है। यहाँ के नेता प्रतिपक्ष का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, क्योंकि पिछली बार ये झाबुआ उपचुनाव में गए थे तो शिवराज जी और जिन्हों ने जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे करे थे, 10,000 करोड़ की घोषणाएं करी थी और जनता ने देख लिया कि किस प्रकार से उपचुनाव में झूठ की बात करने का काम किया था और जनता ने मुंह की खेलाई।